AICC सदर राहुल गांधी जो अपने आप को PM के दावेदार कहते हैं। शहर हैदराबाद में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा के मौके पर जब वो शिरकत के लिए पहुंचे तो वहां आवाम की तादाद बहुत कम दिखाई दी। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस इलेक्शन में तेलंगाना फिर से TRS की हुकूमत बनेगी और TPCC के कायदीन, MLA के सीट के दावेदार, कांग्रेस के लीडर अपनी ताकत बताने में पूरी तरीके से नाकामयाब मालूम हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, आज शहर हैदराबाद के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे AICC सदर हमारे राहुल गांधी जी शहर हैदराबाद की ओल्ड सिटी की नाक चार मीनार शहर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ओल्ड सिटी के तमाम हज़ारों मुसलमान उनकी आमद पर मुंतज़िर है, क्योंकि ओल्ड सिटी के अंदर कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाले और कांग्रेस का काम करने वाले जनाब मोहम्मद गौस साहब और चंद्रन गुट्टे के नौजवान और हमारे सदानंद भाई, हम हिंदू मुस्लिम चारी भाई, रियाज भाई, हमारे अब्दुल खादर अमूदी मखदूम साहब और हमारे जो है यासीन साहब, हम तमाम लोग मिलकर इंशाल्लाह ताला आज की तारीख में बता देंगे। KCR खबरदार, होशियार हो जा तू, अब की बार तेलंगाना के स्टेट में भी और सेंटर में भी हमारी पार्टी आएंगी और वो बड़ी शेरवानी, छोटी शेरवानी और वो चिंदी शेरवानी और वो पेवन के शेरवानियाँ पूरे ख़त्म हो जाएंगे। अब की बार जो है इंशाल्लाह ताला ओल्ड सिटी के 7 हलकों से कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की तादाद में जीत कर हम राहुल गांधी जी को पेश करेंगे और इंशाल्लाह तोहफा देंगे। और मुसलमान आपके जान चुके हैं कि KCR को वोट डालना BJP को वोट डालने के बराबर है और ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालना तो हमारे ईमान का और हमारे मज़हब का सौदा करने के बराबर है। लेकिन अब की बार ना MIM को वोट पड़ेगा, ना BJP को वोट पड़ेगा, ना TRS को वोट पड़ेगा। और मेरे हिंदू भाई, तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, अब की बार आप कांग्रेस को वोट दीजिए। चारी भाई, सदानंद भाई, वेंकटराज मुदिराज साहब, हमारे दुर्गेश भाई, ऐसे भाइयों से मैं अपील करता हूं कि अब की बार जो है आप कांग्रेस के हक़ में वोट दीजिए इंशाअल्लाह ताला। और मारवाड़ी भाई को और खुज्जे मैमन जितने भी हमारे कम्युनिटीज़ है उन तमाम लोगों को मैं अपील करता हूं, अब की बार आप कांग्रेस का निशान है, हाथ है, उस हाथ के निशान को वोट देकर मुसलमान, हिंदू, दलित, सिख, ईसाई तमाम लोगों की ताकत बता दें। और KCR ने जो झूठे झूठे वादे किए, डबल बेडरूम, 12% रिजर्वेशन, 4 महीने में तमिलनाडु की शक्ल में वक्फ की जायदादों को जो है तहफ्फुज़ दूंगा, ये मैं मुस्लिम क़यादत